अभी अभी सिवान जिला के मजहरुल हक कॉलोनी में आपसी गोलीबारी में 3 लोग के बुरी तरह जख्मी की खबर। नमस्कार प्रणाम, हम है रहल भाई रहल दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी अभी के एगो बहुत बड़ा खबर आ रहल बा, तो जनगा हमरा गीत संगीत के टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी या बड़ा बड़ा कैसेट कंपनी से रुआ सुने नी प्यार देनी आशीर्वाद देनी ओहिंगा ए भोजपुरी बद कही के रुआ सब्सक्राइब करता नी शेयर करता नी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी आपस में कॉलोनी में झगड़ा बड़ा लगे पड़ा रहा लेकिन क्या थोड़ा हो सकता अभी भागड़ा हो सबके लेकर मुझे लगा दिन बन वही मार दिया सब पड़का मार के झगड़ा हुआ था बहुत लड़का था सब हम लोग भाग गए तो बस मार दिया मतलब किस लिए अब हम लोग नहीं जानते हम लोग से तो नहीं झगड़ा हुआ है हम लोग तो पढ़ क्या रहे दूसरे दूसरे के झगड़ा हुआ अब लोग आ रहे थे पढ़ किस महल का है ना एक्सरे हुआ है ना एक्सरे के बाद क्या नाम है आपका क्या कहना चाहते हैं घटना के बारे में देखिए सराय उपी थाना क्षेत्र के मजलौक कॉलोनी में पहले से विवाद चल रहा था तभी 3 युवक ने गए कोचिंग से पूजा पाठ देकर तभी उस कॉलोनी पर एक क्रॉस कर रहे थे अब मान लग रहा होता उसी समय में गोलीबारी हुआ जिसमें 2 युवक को हाथ में गंभीर चोट लगा है गोली लगने से उसका फ्रैक्चर भी हो गया है एक युवक है जिसका पेट पे गोली क्रॉस करके पार कर गया है किसी तरह उसका जान बचा है और एक व्यक्ति है जो घायल है जिसको डंडा से चोट लगा है बाकी निश्चित तौर पर ये जांच के विषय विद्यार्थी जो कह रहा है कि हम कोचिंग करके जा रहे थे बाकी कोचिंग आज बंद है बाकी पूजा पाठ आज जरूर हर कोचिंग या सरकारी संस्थान में होता है या लोग प्राइवेट में भी सरस्वती पूजा में करने का काम करते हैं ऐसे स्थिति में एक युवक का घर है धनकर और एक युवक है मझौला कॉलोनी का है मझौला को दोनों साथ जा रहे थे तभी वहाँ झंझट हुआ था उसमें गोली लग गया है अब ये जाँच के विषय लगता है कि किस कारण से गोली लगा हुआ है जो युवक बता रहे हैं कि हम लोग जा रहे थे भीड़ भाड़ था और एक बार भगदड़ हुआ उसी समय भगदड़ हुआ हम लोग भाग रहे थे तभी हम लोग को गोली लग गया है तो हम सिवान एसपी से मांग करते हैं कि इस घटना को अपने स्तर से जांच करके और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करने की कोशिश की जाए। श्रीनिवास यादव सामाजिक कार्यकर्ता सिवान।